Hello friends, welcome to my channel Deepika Meditation Power. Friends, आज हम ये जानेंगे कि benefits of meditation for students. आज मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि students के लिए meditation क्यों important है और इससे आपको क्या-क्या फायदे होंगे. हमारे मन में अनेक ग्रंथियाँ होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, जो कि सभी भली बात ही कार्य करती हैं. इसके साथ ही हमारे मन में कई कल्पनाएं और विचार चलते रहते हैं, जो हमारे मन में, मस्तिष्क में यानी ब्रेन में घूमते रहते हैं और जिससे हमारा मन अशांत रहता है और भटकता रहता है. और लगातार सोचने से बॉडी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, हम कमज़ोर होने लगते हैं. मेडिटेशन या ध्यान एक प्राचीन पद्धति है. ध्यान से इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है और एक नई एनर्जी का संचार होता है. और ध्यान से नेगेटिव विचारों पर कंट्रोल होता है. यह बॉडी और माइंड दोनों को एक्टिव बनाता है. ध्यान से नेगेटिव व्यूज पर कंट्रोल होता है और किसी चीज़ पर फोकस करने की जो शक्ति मिलती है उससे आप अपनी स्टडी पर अधिक फोकस कर पाएंगे. और जब हम अपना ध्यान एक केंद्र पर फोकस करते हैं तो हम ये सीखते हैं कि किसी एक चीज़ पर अपने आप को केंद्रित कैसे किया जाता है या फोकस कैसे किया जाता है, जो कि स्टडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि हमेशा स्टूडेंट्स को ये लगता रहता है कि वे अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं और पढ़ते समय उनका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है या वह एक जगह पर फोकस नहीं कर पाते. क्योंकि मेडिटेशन करते समय हम चीज़ों पर फोकस करना सीखते हैं, तो इसलिए मेडिटेशन के द्वारा स्टूडेंट्स अपनी स्टडी पर फोकस करना सीख सकते हैं. इससे अननेसेसरी विचारों पर भी कंट्रोल होगा और आपका माइंड चीज़ों पर फोकस करना सीखेगा. मेडिटेशन के और भी बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे तनाव से मुक्ति मिलती है, रोगों से मुक्ति मिलती है, आपका मन जो है वो शांत रहता है, नींद अच्छी आएगी, आपको स्ट्रेस कम होगा, गुस्से पर नियंत्रण होगा, नेगेटिव विचार जो आपके मन में चलते हैं उन पर कंट्रोल होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा. तो आइए स्टूडेंट्स ये भी देख लेते हैं कि मेडिटेशन आपको कैसे करनी है. इसके लिए आप किसी शांत स्थान पर चले जाएं, जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो. आप पद्मासन या किसी भी अन्य आसन में जो आरामदायक हो, पालती लगाकर रीढ़ सीधे रखते हुए बैठ जाएं, सिर को सहारा ना दें, आपके हाथ थाई पर रखते हुए हथेलियां ऊपर की ओर हों, आंखें बंद कर लें, मन को शांत रखें, अपने फेस पर हल्की सी मुस्कान बनाए रखें. मेडिटेशन से पहले गहरी सांस
अंदर और बाहर लें। इससे आपका दिमाग शांत होकर मेडिटेशन की अवस्था में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इसे आप 10 मिनट से स्टार्ट करें और धीरे धीरे 30 मिनट्स तक आप इसको बढ़ा सकते हैं, परंतु आप मेडिटेशन उतनी ही करें जितना आपको कंफर्टेबल लगे। शुरुआत में आप किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम मंत्र का जाप कर सकते हैं, परंतु बाद में आपको केवल अपनी सांसों पर फोकस करना है, ध्यान लगाना है, जो सांस आप ले रहे हैं और जो सांस आप छोड़ रहे हैं, केवल उसी पर आपको ध्यान लगाना है। और यदि मेडिटेशन करते समय आपका मन भटकता है तो आपको अपने मन को ये समझाना है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। इससे आप चीज़ों पर फोकस करना सीखेंगे, क्योंकि आपका भटकते हुए मन को आप समझाएंगे कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। आपका मन शांत होगा और नेगेटिव विचारों से मुक्ति मिलेगी। मेडिटेशन के अंत में पहुंचने पर आप अपनी आँखों को खोलने में जल्दी ना करें, धीरे धीरे आँखों को खोलें और अपनी पहली वाली अवस्था में आ जाएं। मेडिटेशन जैसे जैसे आप करते रहेंगे वैसे वैसे आपका चीज़ों पर फोकस बढ़ेगा, आपका मन शांत होगा, स्ट्रेस नहीं होगा और आपका जो मन है वो पढ़ाई में अच्छे से लगेगा। एक बहुत ही सुंदर कोट है, मेडिटेशन इज बीइंग इन टोन विद आवर इनर एनर्जी सोर्स, यानी कि ध्यान हमारी आंतरिक ऊर्जा स्रोत के साथ स्वर में है, यानी टोन में है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं इजाज़त लेती हूँ। कीप स्माइल, स्टे फिट, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फ्रेंड्स।